अथाष्टा दशोध्याय सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। सूत उवाच। सगम पम पा सगम पम पा नी पा गम गा नी सा गा सा नी पा मा गा। तमागतम राजा मंत्रिभिः सहितः शुचिः पुरः पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात। सूजी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। कृत्वार्हाणानृपः सम्यक् दतासनमनुत्तमम् अप्रक्ष कुशलं गां च विनिवेद्य पयस्विनी। महाराजा जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सच तां नृप पूजां वै प्रतक्रेणाद्य था विधि अप्रक्ष कुशलं राज्ञ स्वनिवेद्य निरामयम्। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। कृत्वा कुशल संप्रश्न मुपावेष्टं सुखासने सुखं प्यास सुतं शांतं पर्यप्रेक्षत पार्थिव किं निमित्तं महाभाग निस्पृहस्य च मां प्रति जातं यागमनं ब्रूहि कार्यं तन्मुनि सत्तमा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदाई आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्प्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनिश्रेष्ठ, उस प्रियजन को बताइए। सुख उवाच। व्यासेनोक्तो महाराज कुरुदार परिग्रहम् सर्वेषाम श्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः मया नांगीकृतं वाक्यं मत्वा बंधं गुरुरपि न बंधोस्ति तेनोक्तो अहं तत्कृतवान् पुनः। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने स्वीकार नहीं किया। संदिग्ध मानसं मत्वा स मुनि सत्तमः उवाच वचनं तथ्यं मिथिलां गच्छमाशु च यजुस्ति जनकस्तत्र जीवन्मुक्तो नराधिपः विदेहो लोकविदित पातिराज्यं कण्टकम्। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझ कर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो, वहाँ राजर्षि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक और जीवन मुक्त राजा हैं, संसार में विदेह नाम से विख्यात हैं और वहाँ निष्कंटक राज कर रहे हैं। कुर्वन् राज्यं तथा राजा माया पाशर्न बध्यते त्वं विभीषिकं पुत्र वनवृत्ति परन्तप। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बनते, तब हे परंतप तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? पश्यतम नृपुशार्दूलम त्यज मोह मनोगतम गुरुदारन महाभाग पिछवाभुपतिं चतम संदेहं ते मनोजातम कथयिष्यति पार्थिव तक्षुत्वा वचनं तस्य मामेहि तरसा सुता। उन निर्शेष विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो, वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना।
संप्राप्नो हम महाराजा वत्पुरे च तदाज्ञया मोक्ष कामोस्मि राजेन्द्र ब्रूहि कृत्य ममानघ। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनक, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। तपस्तीर्थ व्रते जाश्च स्वाध्यायस्तीर्थ सेवनम् ज्ञानम् वावद् राजेंद्र मोक्षम् प्रति च कारणम्। हे राजेंद्र, तप तीर्थ व्रत यज्ञ स्वाध्याय तीर्थ सेवन और ज्ञान, इसमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनकवाच श्रेणु विप्रेण कर्तव्यम् मोक्ष मार्गाश्रितेन यत् उपनीतो वसेदादो वेदाभ्यासाय वै गुरौ अधीत्य वेद वेदान्तान् गत्वा च गुरुदक्षिणम् समावृत्तस्तु गार्हस्थ्ये सदारो निवसे मुनि न्यायावृत्तेस्तु संतोषी निराशी गत कल्मषः अनहोत्रादि कर्माणि कुर्वाणः सत्यवाक्शुचिः पुत्रं पौत्रं समासाद्य वानप्रस्थाश्रमे वसेत् विरक्तस्याधिकारोऽस्ति संन्यासेनान्यथा क्वचित् वेदवाक्यमिदं तथ्यम् जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनो। उपनयन संस्कार के बाद सर्वधर्म वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहाँ तपश्चर्या द्वारा काम क्रोध मद लोभ और मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्याय पूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। शुकाष्ट चतुरिंशद्वय संस्कारा वेद बोधिता चत्वारिंशत् गृहस्थस्य प्रोक्तस्तत्र महात्मभिः अष्टौ च मुक्तिकामस्य प्रोक्तः शमदमादय आश्रमादाश्रमं गच्छे नीतिशिष्टानुशासनम्। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए शम दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। शुकवाच उत्पन्न हृदय वैराग्य ज्ञान विज्ञान संभवे अवश्य सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थादि आश्रमों में रहना चाहिए और वनों में। जनक वाच इंद्रियाणि बलिष्ठानि नरे योक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकर्वन्ति विकारास्तरणे कशः। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। भोजने क्षाम सुखे क्षाम च चये क्षाम आत्मजस्य च यदि भूत्वा कथं कुर्या विकारे समुपस्थिते। यदि मनुष्य के मन में भोजन की शयन की सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। दुर्जरम वासना जालम न शांति मुपयाति वै अत
क्षमनार्थाय क्रमेणा च परित्यजे। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वो शीघ्र नहीं मिलता, इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊर्ध्वं सोक्तः पतत्येव अशयानः पतत्यथः परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गं लभते पुनः। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। यथा पिपीलिका मूला चाखाया मधिरोहति शनैः शनैः अलं याति सुखेन पदगामिनी विहंगस्तरसा याति विघ्नशङ्कमुदस्य वै शांतो भवति वैश्रम्य सुखं याति पिपीलिका। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहाँ से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुँच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणामतः थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभीष्ट पहुँच जाती है। मनस्तु प्रबलम काम मजेयम कृतात्मभिः अतः क्रमेण जेतव्य माश्रमानुक्रमेण च। मन अत्यंत प्रबल है, यह अति जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थाश्रम संस्थोपि चांतः सोमतिरात्मवान् न च हृष्य न च तपेल लाभालाभे समो भवेत्। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी होता है वह न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। विहतम कर्म कुर्वाणस्य जनशीतान्वितं च यत् आत्मलाभेन संतुष्टो मुच्यते न त्रिसंशयः। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। पश्याहं रजसंस्थोपि जीवन मुक्तो यथा नः विचरामि यथा कामं न मे किंचित् अजयते। हे अनक, देखिए मैं राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ, मैं अपने इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। उज्जानो विविधान भोगान कुर्वन कार्यान्यनेकशः भविष्यामि यथाहं त्वं तथा मुक्तो भवानः। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनक आप भी मुक्त हो जाइए। कथ्यते खलु यद्दृश्य मदृश्यं बध्यते कुतः दृश्यानि पंचभूतानि गुणास्तेषां तथा पुनः। ऐसा कहा भी जाता है कि जो दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश ये पंच महाभूत और गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द यह उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा गम्युनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन सकथं बध्यते ब्रह्मान् निर्विकारो निरञ्जनः मनस्तु सुख दुःखानां महतां करणं द्विज जाते तु निर्मले यस्मिन् सर्वं भवति निर्मलम्। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण वह निरंजन और निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है, इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। ब्राह्मण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः निर्मलं न मनो यावत् तावत् सर्वं निरर्थकम् न देहो न च जीवात्मा इन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। कभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा है और न ये इंद्रियां ही है, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है।
शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा नवै बध्यत कदाचित् बन्धमोक्षो मनः संस्थितः तस्मिन् क्षान्ते प्रशाम्यति। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बनता नहीं है, अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है, मन की शांति से ही शांति है। शत्रु नेत्र मुदासीन हृदय सर्वे मनोगता एकात्मत्विकतम भेद संभवेत्वत् दर्शनात्। शत्रुता मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं, इसीलिए एक आत्मभाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैतभाव से ही उत्पन्न होता है। जीवो ब्रह्म सदैवाहम् नात्र कार्य विचारणा भेद बुद्धिस्तु संसारे वर्तमान प्रवर्तते। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। अवेद्येयं महाभाग विद्या चैतन्य वर्तनम् विद्या वेद्य च वैज्ञेय सर्वदैवमिच्छण। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है, इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है, इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। बिना तपम ही छाया ज्ञायते च कथम सुखम अविद्यया विना तत्त्वार्थम विद्यां च वेत्ति वै। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते भूतानि च तथैव च इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु को दोषात् चात्मनः। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत और इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं भ्रमण करती हैं, इसमें आत्मा का क्या दोष है। मर्यादा सर्वरक्षार्थम कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाशः स्यात् भोगतानामिवानः। धर्मनाशे विनष्टः स्यात् पराचारो निवर्तितः अतो वेद प्रदेष्टेन मार्गेण गच्छताम् शुभम्। हे पवित्र आत्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है, यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता, धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा, इसीलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। शुक वाच। संदेहो वर्तते राजन निवर्तति मे क्वचित् भवता कथितम् यत्तक् श्रण्वन्तो मे नराधिपा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो यह बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार से दूर नहीं होता। वेद धर्मेषु हिंसा स्याद् धर्म बाहु लाहिसा कथम मुक्ति प्रदो धर्म वेदोक्तो वत् भूपते। प्रत्यक्षेण त्वनाचार सोमपानम नराधिप पशूनां हिंसनं तत्वत् भक्षणं चामिषस्य च। सोतामाणो तथा प्रोक्त प्रत्यक्षेण सुराग्रह द्युतक्रीडा तथा प्रोक्त व्रतानि विविधानि च। हे भूपते, वेद धर्म में हिंसा का बाहुल्य है, उस हिंसा में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं, ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्ति परम कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस का पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है, सौत्रा मणि यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सुराग्रह का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार द्यूत क्रीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। श्रूयते स्म पुरायासि चषबिन्दु रिपुतमः यज्वा धर्म परो नित्यम् वदान्य सत्य सागर गुप्ता च धर्म सेतूनां चास्ता चोत्पथ गामिनां यज्ञाश्च विहितास्तेन बहवो भूरि दक्षिणा।
ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमारगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। चर्मणाम पर्वतो जातो विंध्याचल समः पुनः मेघम् प्लावनाज्जाता नदी चर्मणवति शुभा। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चर्मवती नाम की शुभ नदी बह चली। सुपीरा जातिवं यात कीर्तिरस्य चला भुवि एवं धर्मेषु वेदेषु न मे बोधि प्रवर्तते। राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अविचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री संघेन सदा भोगे सुख माप्नोति मानवः अलाभे दुख मत्यंतम जीवन मुक्त कथं भवेत्। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। जनक उवाच। हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा साहिंसा परिकीर्तिता उपाधि युक्तो हिंसा नान्यथेति विनिर्णयः। जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। यथा चेन्धन संयोगात् तग्नो धूमः प्रवर्तते तद्वियोगात् तथा तस्मिन् निर्धूमत्वं विभाति वै। अहिंसां च तथा वेद्धि वेदोक्तां मुनिसत्तम जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार है मुनिवर, वेदोक्त हिंसा में भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। अरागेण च यत् कर्म तथा अहंकार वर्जितम् अकृतं विद्विद्वांस प्रवदन्ति मनीषिणः। जो कर्म राग रहित और अहंकार रहित होकर किया जाता है, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए के समान ही कहते हैं। विहस्थानं तु हिंसैव यायके द्विज सत्तम अरागेण च यत् कर्म तथा अहंकार वर्जितम् साहिंसैव महाभाग हे दुःश्रेष्ठ, रागी ग्रस्तों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित एवं अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम प्रथम स्कंधे शुकाय जनकोपदेश वर्णनम नामाष्टा दशो अध्यायः।